शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये हो जाएगा। ओके ओके ओके। कीर्ति, अरे बेटा, कीर्ति बेटा, बेटा क्या हुआ? कीर्ति, उठो बेटा, कीर्ति, कीर्ति बेटा। हेलो, डॉक्टर। कुनाल। हिम्मत हो तो आप जैसी भाभी जी, इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। मेरा मतलब मेरा और आरती का पीछा करते करते यहां मेरे घर शुक्ला निवास तक आ गए। क्या कहती हैं, भैया को यहां बुलाए या नहीं? या अम्मी बस आज किसी से नहीं मिलोगे, ना अभय से और ना आरती से। मैं जानती हूं तुम आज आरती से मिलने वाले हो। अभी के अभी उसे फोन करो और उसे मिलने आने से मना करो। अगर अपनी बात मनवानी थी तो जरा प्यार से कह देती। तुम आरती को फोन कर रहे हो या मैं तुम्हारे घर जाकर बहुत प्यार से तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे इन करतूतों के किस्से सुना दूं? फोन करो उसे। नहीं मानोगे ना तुम? ठीक है, तो फिर यही सही। रुको, कर रहा हूं कॉल। स्पीकर पे डालो। हेलो, कुछ जरूरी काम आ गया है, आज नहीं मिल पाएंगे। क्या यार, कैसे, कितनी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला था। हर बार एंड मौके पे ना तुम्हारा कुछ ना कुछ। नहीं आ पाऊंगा मतलब नहीं आ पाऊंगा, बाद में बात करता हूं। गलत चाल चली है तुमने आज, देख मैं तेरी बाजी कैसे पलटता हूं। मेरे पास एक नहीं दो इक्के हैं, एक तेरे पति की बहन आरती और एक तेरी बहन कीर्ति। श्रद्धा के इतने सारे मिस कॉल आ गए, उसे कॉल करूं या समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। डॉक्टर, कीर्ति ठीक है ना? उसे होश आ गया ना? बधाई हो दीक्षित जी, आप नाना बनने वाले हैं। आप ये खुशियां अपने परिवार के साथ मनाइए और ये जो मैंने दवाइयां लिख दी है आपको, ये कीर्ति को टाइम से देनी है और ये मंगवा लीजिए। मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हमारी कीर्ति बनने वाली है। कैसी है मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? कीर्ति बेटा, आज तुमने अपने पापा को इतनी खुशी दी है ना कि मैं तुझे बता नहीं सकता हूं।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा अपने पापा को माफ कर दे। पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हें अपने पापा पे भरोसा है ना? अब देखना, यशवी जी और मैं, अपनी खुशी में मैं यशवी जी की तो बताना भूल ही गया, मैं उन्हें फोन लगाता हूँ। नहीं पापा, मम्मी को अभी कुछ मत बताइए। क्या हो गया बेटा? आपको आपको हमारी कसम, बेटा आप अभी मम्मी को कुछ नहीं बताएंगे। हम पहले वरुण जी को बताना चाहते हैं, उनके साथ सारी गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं। पहले हमें खुश तो हो जाने दीजिए पापा, फिर हम आपसे वादा करते हैं, हम खुद मम्मी को फोन करके ये न्यूज देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम चलकर दिलीप जी, नैना जी और वरुण जी को ये खुशखबरी खुद देते हैं जाके, उनके चेहरे की खुशी देखकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो बेटा आओ। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि आज के बाद अपनी ये शक्ल दिखाना मत मुझे, ना मेरे घर में और ना ही मेरी जिंदगी में। आओ बेटा चलो आजा। नहीं नहीं पापा, हम नहीं जाएंगे। क्यों बेटा, क्या हो गया? चलिए जल्दी हमारे साथ, हमें आपको कुछ बताना है। भाभी हम जो आपको बताने वाले वो सुनकर आप ना कोई तारा या ग्रह बन के पूरे ब्रह्मांड में ऐसे गोल गोल घूमने लगेगी। फिलहाल तो ऋतु आप ना अपनी बातें जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाइए, तब हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा। बोल क्या रही हैं आप? बताते बताते जरा सब्र रखा करो भाभी। सुनिए ताजा ताजा खबर ऋतु त्रिपाठी के मुंह से। हमारे त्रिपाठी परिवार का होनहार दिलीप भैया का उत्तराधिकारी चरणजीवी श्री वरुण त्रिपाठी ने अपनी धर्म पत्नी, नहीं नहीं उसे धर्म पत्नी कहना सही नहीं, अधर्मी पत्नी उर्फ स्वीटू से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। क्या बोल रही हैं आप ऋतु? सच्ची बात है ये? ऋतु सिर्फ सच्ची बोलती है। और आपको पता है भाभी, वरुण तो वरुण, इस बार नैना भाभी भी तस से मस नहीं हो रही है। हाय इतना मजा आएगा। हे भगवान, वरुण ने सारे रिश्ते तोड़ दिए। हे भगवान, ये क्या किया वरुण जी ने? पिछले दिनों परिवार में इतना कुछ हो गया कि उनकी जगह कोई और भी होता ना तो नाराज ही होता। ऐसे रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। वरुण जी ने गुस्से में तुमसे कुछ कह दिया होगा। कीर्ति बेटा, आज जो खुशखबरी तुमने हमें दी है ना, वो इस बात का इशारा है कि तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ, नया रूप ले रहा है। पति पत्नी से मजबूत और बेहतर रिश्ता माँ बाप का होता है। मैं अभी श्रद्धा और दिलीप जी को फोन करता हूं। अपने पापा पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। और देखना, बच्चे के आने की खुशी इतनी होगी कि नैना जी और वरुण जी तुम्हें माफ कर देंगे। पापा आप हमसे वादा करिए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।